हे दिस इज रौनक मल्होत्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ लर्न गिटार विद रौनक सीरीज के पार्ट टू में। पार्ट टू में हम मेलोडीज पे फोकस करने वाले हैं ताकि आप लीड गिटार रिफ्स इंटरल्यूड्स ये सब बहुत अच्छे से बजा पाएं। हम अपनी फिंगर्स को प्रिपेयर करेंगे, इनकी डेक्सटेरिटी को इंक्रीज करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दूंगा, बहुत सारे सॉन्ग्स भी सिखाऊंगा। लेकिन ये सब करने से पहले आपको गिटार को होल्ड करना अच्छे से आना चाहिए, प्लेक्ट्रम को पकड़ना आना चाहिए और गिटार को ट्यून करना आना चाहिए, गिटार की स्ट्रिंग टूट जाती है तो उसे ठीक कैसे करना है वो भी आना चाहिए। इस सब का सब मैंने पार्ट वन में बता रखा है। सो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो प्लीज पहले पार्ट वन को अच्छे से देख लें, उसके बाद पार्ट टू शुरू करें। तो ये है पार्ट टू का फर्स्ट एपिसोड और इसके अंदर हम अपनी फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग बजाएंगे। सब कुछ है ना वन वन, फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग, ये सब इसलिए ताकि आप बहुत अच्छे से बजा पाए। हम सब कुछ सिस्टमेटिकली सीखेंगे। आज हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे, अगली बारी में हम सेकंड स्ट्रिंग करेंगे, थर्ड करेंगे और फर्स्ट फिंगर से आज करेंगे तो अगली बारी में हम सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे, फोर्थ भी करेंगे और सारी की सारी फिंगर्स और सारी की सारी स्ट्रिंग्स आपको अच्छे से बजाने आ जाएंगी। तो इस एपिसोड में मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको दो सॉन्ग सिखाऊंगा। फर्स्ट इज हरे कृष्णा और सेकंड इज हैप्पी बर्थडे। ये दोनों सॉन्ग्स वैसे तो थ्री स्ट्रिंग्स पे बजाए जाते हैं बट मैंने इनको फर्स्ट स्ट्रिंग पे कर दिया है और काफी आसान कर दिया है। और हैप्पी बर्थडे तो आप सभी सीखना चाहते ही हैं, राइट? क्योंकि जिसके पास भी गिटार है उसे एटलीस्ट हैप्पी बर्थडे तो आना चाहिए ताकि अपने फ्रेंड्स की पार्टी में, मम्मी पापा की पार्टी में या अपने जो भी डियर वंस हैं उनकी पार्टी में अच्छे से हैप्पी बर्थडे तो बजा ही पाए, राइट? तो आपका पहला सॉन्ग होगा हैप्पी बर्थडे, लेट्स स्टार्ट। सो हैप्पी बर्थडे बजाने से पहले आपको टैब्स अच्छे से आने चाहिए और जब भी हम कोई सॉन्ग सीखेंगे तो आपको मैं लिखे हुए नोट्स दूंगा, राइट? और उनको पढ़ना आपको आना चाहिए। जैसे अगर आपको हिंदी अच्छे से बोलनी है तो पढ़ना लिखना भी तो आना चाहिए ना, उसकी एक अलग स्क्रिप्ट होती है देवनागरी। इंग्लिश की भी अलग स्क्रिप्ट होती है, राइट? ऐसे म्यूजिक की अलग स्क्रिप्ट होती है और स्पेशली गिटार में जो हम म्यूजिक नोटेशन यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं गिटार स्टेबलेचर, ठीक है? और शॉर्ट फॉर्म में उसे टैब्स भी बोलते हैं, तो मैं उसे टैब्स बोलूंगा। सो टैब्स के अंदर सिक्स लाइंस होती हैं एंड दीस सिक्स लाइंस रिप्रेजेंट द सिक्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप गिटार को ऐसे पकड़ें और ऊपर से देखें तो आप टॉप पे जो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है वो फर्स्ट स्ट्रिंग ही तो है, राइट? फर्स्ट स्ट्रिंग इज ऑन द टॉप एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन इन द गिटार टेबलेचर। फिर आती है सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सबसे नीचे आती है सिक्स्थ, ठीक है? ये सिक्स लाइन्स जो है ये सिक्स स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है और इन्हीं लाइंस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होंगे, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 तक जा सकता है, आई थिंक मोर भी जा सकता है। तो ये जो नंबर्स है ना ये फ्रेट नंबर्स होते हैं, ये फ्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर लिखा हुआ है 0 तो हम फर्स्ट स्ट्रिंग बजाएंगे ओपन फ्रेट। 0 मींस नथिंग इज इन द लेफ्ट हैंड, दिस इज 0 फ्रेट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। अगर यही 0 सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है तो मैं बजाऊंगा सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ठीक है? फिर थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन। लेकिन अगर 0 की जगह इन पे लिखा होता है 1 तो हम फर्स्ट फ्रेट बजाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लाइन पे फर्स्ट लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा हुआ है। दैट मींस हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट बजाने वाले हैं, ठीक है? अगर ये लिखा है सेकंड लाइन पे तो हम सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट बजाएंगे। अगर 1 लिखा हुआ है थर्ड लाइन के ऊपर तो आपको पता ही है हम थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट बजाएंगे। तो इसी तरह से आप कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। मान लो 12 लिखा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, this is the 12th fret, तो उसको हम बजा देंगे। तो आपने गिटार टैब्स को रीड करना सीख लिया, yes, congratulations। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला गाना, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। तो ये रहे हैप्पी बर्थडे के गिटार टैब्स। हैप्पी बर्थडे की फर्स्ट लाइन कुछ ऐसी साउंड करती है, Happy birthday to you। तो स्टार्टिंग में हमें स्पीड्स पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्लैरिटी पे ध्यान देना है। तो बिल्कुल स्लो स्लो क्लियर क्लियर बजाइए, ठीक है? सो फर्स्ट लाइन बजाने के लिए हमें बजाने हैं फ्रेट 0 0 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग। सो दैट मींस मैं लेफ्ट हैंड की जरूरत नहीं है पर मैं कहूंगा कि आप अपना थंब रेडी रखिए क्योंकि कभी भी कुछ भी बजाना पड़ सकता है, राइट? 0 0 देन इज 2 0 then it's 5 4 that's the first line। इसको ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा बजाइए 0 0 2 0 5 4 जब तक ये अच्छे से ना आ जाए इसी को रिपीट करते रहिए, ठीक है? फिर आते हैं सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन में है 0 0 2
2075। आप वीडियो पॉज करके इसको बार बार बजा सकते हैं, जब तक अच्छे से ना आए इसी को बजाएं, आगे ना जाए। सो अभी दो लाइन हमने सीख ली है, लेट मी सिंग इट। हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। हर फ्रेट नंबर के नीचे मैंने उसकी लिरिक्स भी लिख रखी है। अगर जीरो के नीचे है लिखा है, सो यू हैव टू से ऑन द फर्स्ट जीरो, देन बी ऑन द सेकंड जीरो, देन ऑन द फ्रेट नंबर टू, ऑन द फ्रेट जीरो टू यू। ऐसे स्लो स्लो एक एक सिलेबल को आपने फ्रेट की साउंड से मैच करना है। नाउ सेकंड लाइन, हैप्पी बर्थडे बहुत ही जल्दी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्पीड में आ जाएगा लाइक दिस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पर अभी आप मुझे कॉपी करने की स्पीड में बजाने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत बेकार बजेगा, ठीक है। आप स्लो स्लो अच्छे से बजाएं और आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट थर्ड लाइन है 0012, ठीक है। याद रखिएगा आपका थंब हमेशा आपकी फिंगर के साथ स्लाइड करेगा, सो 0012954। This is the third line. इसमें हम बोल सकते हैं Happy birthday, dear Papa. Then, fourth line is 10109575. Happy birthday to you. चलो मैं थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन इकट्ठे बजाता हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाउ लेट्स प्ले द फुल सॉन्ग। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, Happy birthday dear Papa, Happy birthday to you। इन नोट्स को बाय हार्ट आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के बाद आप इसको स्पीड में करने की कोशिश कीजिएगा, और वो भी जब हो पाए तो ये रहा बैकिंग ट्रैक के साथ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear daddy, happy birthday to you. So here we finished our happy birthday song. हमने अभी अभी backing track के साथ song बजाया और इसके साथ ही हमारा happy birthday song finish होता है। आप बैकिंग ट्रैक के साथ ट्राई कर सकते हैं, अगर ये नहीं बज रहा है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। थोड़ा प्रैक्टिस करें, कोर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद वापस इस वीडियो पे आके आप बैकिंग ट्रैक के साथ ट्राई करेंगे, जब आपकी बाकी फिंगर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी, इस कोर्स को करने के बाद और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप बैकिंग ट्रैक के साथ जरूर बजा पाएंगे, ठीक है। बैकिंग ट्रैक इज नॉट रिकमेंडेड अभी के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू सॉन्ग नाउ। सो नेक्स्ट सॉन्ग का नाम है हरे कृष्णा। ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा सॉन्ग है, और इसके लिए मैंने आपको टैब्स अपनी स्क्रीन पे दिखाए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सो ये छोटा सा सॉन्ग है और इसके नोट्स तो बहुत ही आसान है। सो इसके टैब्स हैं आपकी स्क्रीन पर। इट स्टार्ट विद फर्स्ट फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट। सब टेक्निक सेम रहेंगी, बस फ्रेट नंबर चेंज हो रहे हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू सॉन्ग। 2 4 5 5, दिस इज द फर्स्ट फ्रेज। इसी को बार बार बजाइए, 5 बारी 10 बारी।
2 4 5 5 बिल्कुल स्लो स्लो क्लैरिटी के साथ, और इस पे आप सिंग भी कर सकते हैं। जैसे टू के नीचे लिखा है ह, तो लेट्स प्ले द टू एंड सिंग ह। नेक्स्ट इज रे एंड द फाइव के नीचे कृष्णा, लाइक दैट। देन ये फ्रेज जब अच्छे से आ जाए तो लेट्स गो टू द सेकंड फ्रेज। हरे कृष्णा, ये है 4 2 4 4। इसको भी खूब बार बार बजाइए और फिर सिंग कीजिए हरे कृष्णा। देन इट्स 2 0 2 2 विच इज कृष्णा कृष्णा। देन लास्ट फ्रेज इज हरे हरे 5 4 2 0। तो एक एक फ्रेज को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये अभी आधा हुआ है, नोट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बस लिरिक्स चेंज हो रही है, ठीक है। उससे फिर ये महामंत्र कंप्लीट हो जाएगा। हरे रामा, सेम फ्रेज है बट हरे कृष्णा की जगह बस हरे रामा, बस यही चेंज है। रामा इंस्टेड ऑफ कृष्णा इट इज रामा, दैट्स इट। बाकी सब सेम है, नोट्स बिल्कुल सेम है। Now, second phrase is हरे रामा, वही नोट्स हैं 4 2 4 4। उस पे हम बोल रहे हैं हरे रामा। Then next is 2 0 2 2 और इस पे बोल रहे हैं रामा रामा। And after this we have 5 4 2 0 यानी कि हरे हरे। और इसका बैकिंग ट्रैक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है फिनिश, और आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ बहुत इजी लगा होगा। अगर इजी नहीं लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इससे अगली वीडियो इससे भी इजी ला सकते हैं, ओके। और वैसे भी मैं आगे वन स्ट्रिंग पे बजने वाले खूब सारे सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ। इंग्लिश सॉन्ग्स होंगे उसमें, हिंदी सॉन्ग्स होंगे, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छे से, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।